सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज हम लोग बात करने वाले अपने बुलेट के बारे में, क्योंकि भाई लास्ट वीक इसके अंदर आ गई थी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत, जिसकी वजह से मुझे ये छोड़कर जानी पड़ी ऑफिस। क्योंकि भाई हाँ, मैं गुड़गांव में जॉब करने लग गया हूँ, अब 2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे जॉब करते हुए, इसीलिए वीडियो 1 हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आती है, थर्सडे के दिन आई थी, लास्ट वीक भी और इस वीक शायद कल आए। तो भाई आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इस बुलेट की हमारी सर्विस होनी थी भाई जून के अंदर, जो कि हो चुकी है इसी हफ्ते के अंदर, जून में होने वाली थी, इस हफ्ते में क्यों हो गई सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो भाई ये देख रहे हो, ये है हमारी बुलेट का चेन सेट। भाई बहुत भारी है, एक हाथ से उठ भी नहीं रहा। ये यहाँ क्या कर रहा है, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई अब जैसे ये गलती है भाई, आप भी भूल कर मत करना, मैंने तो कर दी भाई, आप कभी मत करना ये गलती, भूल कर भी अपनी बुलेट से, यानी अगर अपनी बाइक से या बुलेट से किसी से भी प्यार करते तो भाई ये चीज़ बिल्कुल मत करना। आपकी बुलेट या फिर आपकी बाइक को जो चीज़ चलाती है वो है इसकी चेन, क्योंकि भाई इसमें इंजन तो यहाँ लगा हुआ है ना, पीछे वाले टायर में थोड़ी इंजन लगा स्कूटियों की तरह। अब भाई इसका जो इंजन घूमता है ना, वो घूमता है चेन से। तो भाई जो आपकी बुलेट या बाइक को चलाती है वो इसकी होती है चेन। तो ये रहा इंजन, इसका पीछे से घूम के आती है ये वाली जो चेन देख रहे हो, ये चेन वही उस डब्बे में पड़ी हुई है आगे। तो भाई ये चेन क्या करती है, हमारे इंजन से पावर लेती है और ये रियर व्हील के टायर को ऐसे घुमाती है, तो ये वाले ये चीज़ को ये घुमाती है। हाँ, तो अब मैं ये बात कर रहा था कि भाई मैंने जो गलती कर दी वो आप मत कर रहा, वो ये है कि भाई अपने चेन सेट को हमेशा हमेशा लुब्रिकेंट यूज़ करते रहना भाई। उसके अंदर आप चाहे केरोसिन ऑयल डाल लो, डीजल डाल लो, या फिर आपके पास जो भी है भाई, उसको सूखा ना रखना, गीला हमेशा करते रहना भाई उसको, चाहे आप हफ्ते में करो, 10 दिन में करो, जितनी देर बाद मर्जी करो। अब मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट सर्विस जो उसकी कराई थी, आपको अपने वीडियो देखी होगी, फैब या जैन की वीडियो थी वो, उसके अंदर मैंने सर्विस करवाई थी, भाई लेके गया था मेरा, तब की सर्विस हुई और अब तक कोई इसके अंदर मैंने लुब्रिकेंट यूज़ नहीं किया, ना डीजल ना पेट्रोल ना कुछ कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी से जो धो देता था तो मुझे लगता था कि हाँ इसका हो जाएगा, बट लेकिन भाई पानी से नहीं होता है। आप एक भाई लुब्रिकेंट ज़रूर से ख़रीद लेना इसके लिए, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब हुआ क्या इससे वो मैं बताता हूँ। तो भाई अब जो है मैं जब जाता हूँ रास्ते पे, अब भाई मेरा जो है गुड़गांव यहाँ से अपने घर से करता 50 किलोमीटर पर साइड का, तो एक दिन का 100 किलोमीटर हो गया आराम से, 1500 किलोमीटर मैं भाई सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर चुका था इसके साथ। अब इसके अंदर से ना खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, तो मैं यार टेंशन नहीं रहता यार कि कैसे खड़खड़ की आवाज़ कैसे आ सकती है, नई बुलेट है मेरी तो इसके अंदर से आवाज़ कैसे आ रही। तो भाई अब अगले दिन उठ के जब मैंने देखा, डैडी ने देखा, भाई ने देखा कि भाई तब पता लग रहा है कि इसके जो बुलेट की चेन है, उसके जो जो तांत से होते हैं उसके वहाँ पर जो लगे हुए हैं वो हो चुके हैं टू, जो सबसे बड़ा डायल सा घूमता है ना उसके अंदर, सबसे नीचे वाला डायल वो गया था टूट, चेन भी अभी अंदर ही पड़ी हुई है इसकी, तो भाई ये टूट गया था तो कैसे ही चलती भाई, 300-400 किलो की चीज़ है, कैसे घूम जाएगी भाई बिना चेन के। तो भाई साहब फिर उस दिन मुझे छोड़ के जानी पड़ी, और भाई साहब थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड कि भाई उन्होंने सेम डे ही करके दे दिया भाई, मुझे लगा था कि पता नहीं कितने दिन लगा देंगे वो लोग, सेम डे ठीक तो हो गया, लेकिन भाई पैसे भी तो लगे, पैसे कितने लगे तो भाई साहब मैं आपको बताऊँ, टोटल खर्चा आया मेरा कुछ 3500 रुपये का भाई। अब मुझे नहीं पता कि भाई सस्ता है या बहुत महंगा है, भाई अगर होंडा से कंपेयर करो स्कूटी के अंदर अगर मैं कोई भी दिक्कत आती तो 1500 से 2000 के अंदर ठीक हो जाती थी, अब इसके अंदर जो दिक्कत आई है वो ज़्यादा महंगी कहूँ या फिर बहुत सस्ती कहूँ, क्योंकि वो स्कूटी है 110 सीसी की और ये बुलेट है 350 सीसी की, तो भाई मैं कंफ्यूज सा हूँ, अगर आपको ज़्यादा बढ़िया पता है तो आप प्लीज़ बता देना। मेरे हिसाब से तो चलो ठीक ठीक ही लगाएगी, ज़्यादा महंगा भी नहीं ना ही चाहे सस्ता है। तो भाई इसके अंदर क्या क्या हुआ, आगे का डिस्क का भी उन्होंने कुछ किया है, पता नहीं आगे की डिस्क में वो कह रहे थे ब्लीडिंग कुछ हो गई है, ठीक है आगे की डिस्क उन्होंने ठीक कर दी, और चेन तो आपके सामने है ही है, और साथ में जो सिंथेटिक ऑयल होता है इंजन ऑयल वो वाला डाला, और भी कोई एक आधी चीज़ और डाली थी, मैं बिल आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो भाई उसका टोटल खर्चा आया था 3523 रुपये का खर्चा आया था टोटल। तो हैंस भाई हमारी बुलेट की सर्विस हो चुकी है 4th नंबर की, 13000 किलोमीटर क्रॉस करने पर, जो कि लास्ट सर्विस 10000 किलोमीटर क्रॉस करने पर हो गई थी इसकी, लेकिन 13000 पे 4 सर्विस हो चुकी है इसकी ऑलरेडी, क्योंकि भाई बहुत कम चली थी इस वजह से ही जल्दी सर्विस हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है 4 सर्विस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपको थोड़ा बहुत कुछ चेंज भी दिख रहा होगा इसके अंदर से, भाई हमारा जो लेग गार्ड है वो गायब हो चुका है, अलॉय व्हील वगैरह तो आपने देख ही लिए थे लास्ट सर्विस में भी लगे हुए थे। तो भाई लेग गार्ड की जो स्टोरी है वो मैं आपको बता दूँ, है कहाँ पहले ये दिखा देता हूँ, भाई ये पड़ा हुआ लेग गार्ड 2 हिस्सों के अंदर अलग अलग डिवाइडेड है,
इसीलिए हमारे जो किया बुलेट जो हमने बनाई थी वो भी अनसक्सेसफुल रह चुकी है भाई। सिंगल हॉर्न के साथ अब हमें चलानी पड़ रही है। अभी दो तीन दिन तक तो ये हॉर्न बज भी नहीं रहा था, अभी ठीक किया जस्ट मैंने इसको। तो अब ये लेग गार्ड कैसे हट गया भाई, पता नहीं कैसे अपने आप अचानक से इसका लेग गार्ड जो है ना एक साइड से टूट गया, और फिर वो हिलता रहा तो वो पूरा ही नीचे को आ चुका था एक साइड से, तो फिर उसको उतार के हमने साइड में रख दिया वहाँ पर। अब कुछ ऐसी सी हालत है इसकी। तो भाई ये थी कुछ फोर्थ सर्विस की वीडियो, आई होप आपको थोड़ी सी वीडियो जो भी मैंने बनाई है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी कमेंट करके बताना अगर आपको प्राइस ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है। मुझे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है कम भी नहीं है। तो फोर्थ सर्विस डन सक्सेसफुली, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। खर्चे दा कर निरा खर्चे दा कर मेरे आली चंद्रिया।